मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शिबली नगर के पास एक खेल के मैदान पर एक बिल्डर ने अवैध रूप से कब्जा कर इस पर अतिक्रमण कर लिया था और इस मैदान में बच्चे फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन बिल्डर ने कब्जा करके यहाँ जो है अतिक्रमण किया और स्थानीय समाज सेवक महफूज मामा ने इसकी शिकायत मनसे विधायक राजू पाटिल से की, जिसके बाद मनसे विधायक राजू पाटिल ने इसकी शिकायत मनपा आयुक्त से की और खेल के मैदान पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे मनपा ने कार्रवाई करके हटा दिया है। आपको बता दें कि मनसे विधायक राजू पाटिल कल इस खेल के मैदान का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे शिबली नगर में और उनके सम्मान सत्कार के लिए तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मनसे विधायक राजू पाटिल का सम्मान सत्कार भी किया गया। वहीं राजू पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि ये खेल का मैदान बिल्डर के चंगुल से छुड़ा लिया गया है, लेकिन अब इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, आगे इस मैदान को और डेवलप किया जाएगा। क्या कहा है राजू पाटिल ने आपको सुनाते हैं। सही माने में तो मुझे हमारे महफूज मामा ने बुलाया था और यहाँ पे जो एक ग्राउंड है उसके ऊपर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने एक ऑब्जेक्शन लिया और माननीय आयुक्त साहब ने, कमिश्नर साहब ने वो सब वहाँ का इंक्रोचमेंट निकाल के यहाँ के लोगों के वापस ताबे में दी है। तो एक्चुअली ये सब इनिशियली देखने के लिए मैं आया था, मुझे पता नहीं था इतने लोग यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये तो अभी हमारे हाथ में आया, इसको और डेवलप करना है, वो हिसाब से यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो सब देखने के लिए आए थे। तभी तो अभी अभी थोड़ा देखा भी है और ये अच्छा बनाएंगे हम लोग, अभी तो छोटा कर रहे हैं, मतलब हाथ में आया तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसके आगे जाके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग से कि डेवलपमेंट के कामों के लिए हम लोग कोई पार्टी वर्टी देखे बगैर, खाली इलेक्शन में 15 दिन पार्टी देखे और बाकी के दिन सब हम लोग डेवलपमेंट देखे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ग्राउंड के बारे में यही हकीकत में उतर आई ये बात और आपको रिजल्ट दिख रहा है, तो मेरी सबसे विनती, और ये लोग है भी सब साथ में, आप देख रहे हैं हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी का काम इलेक्शन के टाइम करेंगे लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है वो हम लोग ऐसे मिलजुल के करेंगे, तो बाकी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं।